नाटक झांकी है, संपूर्ण भारत बाकी है। अब हमारे बयान बहादुर प्रचार प्रधानमंत्री को पता चलेगा कांग्रेस पार्टी के साथ है। यह साबित भगवान रामचंद्र जी, सीता मैया और बजरंगबली साबित कर दिए। कर्नाटक ने एक मैसेज देने का काम किया है कि दिल्ली की गद्दी खाली करने के लिए, और ये तो निश्चित रूप से साबित हो गया कि अब भगवान भी उनके साथ नहीं है, भगवान भी कांग्रेस के साथ है। नमस्कार, मैं हूं काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। कर्नाटक चुनाव की चर्चा जो है बिहार में भी खूब हो रही है। आपको बता दें कि कर्नाटक में आज वोटों की गिनती हो रही है। सुबह से ही रुझान जो है कांग्रेस के पक्ष में आता हुआ दिख रहा है। एग्जिट पोल की अगर बात कर ले तो एग्जिट पोल में भी ये दिखाया गया था कि कांग्रेस ही जीत रही है, कांग्रेस ही जीतेगी। इसी कड़ी में आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर से खबर निकल के आई है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, वो किस तरीके से हर्षोल्लास के साथ ढोल नगाड़े के साथ मिठाइयाँ बन रही हैं, वो जयकारे लगा रहे हैं। आपको बता दें कि ढोल नगाड़े के साथ रंग अबीर और मिठाई खिलाकर कांग्रेसी जो है वो जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। आप वीडियो में भी साफ तौर पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, रंग अबीर भी लगाए जा रहे हैं। वहीं इस मौके पे जो कार्यकर्ता मौजूद हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप वो भी सुने। बहुत खुशी है, आज जो जनादेश जनता के द्वारा मिला है और यह जो बयान बहादुर प्रधानमंत्री जो झांसा दे के देश में राज कर रहे हैं, आज जनता का माइंडेड कांग्रेस पार्टी के साथ है, राहुल प्रियंका मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ है, यह साबित कर दिया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या भारतवर्ष के जितने भी बंदे हैं वह कांग्रेस पार्टी को अभूतपूर्व जीत दिलाई है। और आशा करते हैं कि कर्नाटक झांकी है, संपूर्ण भारत बाकी है। अब हमारे बयान बहादुर प्रचार प्रधानमंत्री को पता चलेगा, इसलिए कि कर्नाटक से जो माइंडेड मिला है सभी जाति सभी धर्म का और बजरंगबली का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है, यह साबित भगवान रामचंद्र जी, सीता मैया और बजरंगबली साबित कर दिए। खुशी की बात है, सारे लोग देश भर में जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस को बहुत दिनों के बाद दक्षिण बिहार में एक राज्य मिला है जहां अपने मेहनत के बलबूते सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब लोग गए थे वहां और भारी बहुमत से जीत रहा है। जो धार्मिक उन्माद फैलाना कोशिश किया गया उसको इन लोगों ने फेल कर दिया है। और जिन लोगों ने हनुमान जी का नाम लेकर राजनीति शुरू किया, जनता वहाँ की जो है वो बजाबता कांग्रेस के पक्ष में हनुमान जी का उपयोग हुआ। 2024 में क्या होगा, क्या लग रहा है? अब देखिए, उत्साह बढ़ गया है, अब क्या होगा, बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, कांग्रेस आएगी, उसके साथ और भी जो विपक्षी दल हैं वो सब लोग मिलकर आएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। क्या कहेंगे जी? कर्नाटक ने एक मैसेज देने का काम किया है कि दिल्ली की गद्दी खाली करने के लिए, और ये तो निश्चित रूप से साबित हो गया कि अब भगवान भी उनके साथ नहीं है, भगवान भी कांग्रेस के साथ है, क्योंकि कांग्रेस सभी धर्म का सम्मान करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर के देश के चौमुखी विकास के लिए कांग्रेस का अमर किया। आपने जश्न मना रहे कार्यकर्ताओं को सुना, जिनका कहना है कि कर्नाटक चुनाव का जो रुझान आ रहा है वो साफ तौर पे प्रधानमंत्री जी को देख लेना चाहिए। वहीं उनका कहना है कि बजरंगबली के आशीर्वाद से ही वो कर्नाटक चुनाव जीते हैं और किस तरीके से जश्न मना रहे हैं आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। वहीं उन्होंने अपने बयान में भी कहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।